दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर इराक को लेकर है। बता दें कि इराक ने भारत के साथ अब एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जो देखकर अमेरिका और रूस पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि इराक का ये कदम अमेरिकी डॉलर को तो कमजोर करेगा ही, साथ ही रूस के भारत में क्रूड ऑयल सप्लाई करने की हिस्सेदारी पर भी बड़ा असर डालेगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत की तरफ से अमेरिका पर लगाए गए डायरेक्ट एलिगेशन को लेकर है, जो हमने WTO को बचाने के लिए किया। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इराक ने अब भारत के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए बड़ा कदम उठाया। इराक ने भारत के साथ बोस्त्रो अकाउंट ओपन किया है। बता दें कि इस तरह के अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए भारत इराक से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल और दूसरे आइटम के लिए पेमेंट भारतीय रुपए में कर सकता है। मतलब रूस और UAE के बाद अब इराक भी भारत को अपना तेल लोकल करेंसी में सप्लाई करने को तैयार है। इराक के रीजन ट्रेड बैंक ने भारत के DBS बैंक में अपना वोस्त्रो अकाउंट ओपन किया, जिसे एक काफी बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। इराक ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वह भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर सके, क्योंकि जब रूस भारत को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा था, तब रूस भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था। भारत रूस को इराक के मुकाबले दोगुना क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था, जो इराक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत इराकी ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसके तहत भारत द्वारा खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में इराक की हिस्सेदारी 18-20% थी, जबकि रूस की 40-42% हो गई थी। पर इस ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव नवंबर के आसपास आया। 2023 नवंबर के समय भारत ने रूस के साथ लोकल करेंसी ट्रेड में आ रही परेशानियों की वजह से अपने क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट दूसरे देशों से करने पर ध्यान दिया, साथ ही डिस्काउंट में भी काफी परेशानी देखने को मिल रही थी। इसीलिए भारत इराक, सऊदी और UAE जैसे देशों पर निर्भर कर रहा था। इसके बाद इराक को एक बड़ा अवसर मिला, जिसमें वह रूस को पीछे छोड़ते हुए फिर से भारत के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने समय रहते भारत में वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत कर दी, जिससे भारत काफी बड़ी संख्या में इराक के साथ व्यापार कर सकता है और लोकल करेंसी में ये ट्रेड होगा, इसीलिए हमें बड़ी परेशानी भी नहीं होने वाली। साथ ही अब इराक के पास एक बड़ा रणनीतिक एडवांटेज भी है, जिसकी वजह से भारत इराक के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। दरअसल आपको तो पता ही होगा कि इसराइल हमास युद्ध की वजह से यमन में मौजूद होती विद्रोही किस तरह से लाल सागर में व्यापारी जहाज पर हमला कर रहे हैं, और भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की नौसेना के बड़े युद्धपोत लाल सागर में कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। पर इस तरह के इवेंट क्रूड ऑयल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन की इम्पोर्ट के लिए सही नहीं है, जबकि इराक से अगर हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो हमें लाल सागर के बजाय पर्शियन गल्फ से तेल की डिलीवरी मिलेगी, जो काफी सुरक्षित होगा और यही इराक का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की तरफ से दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसमें भारत ने अमेरिका पर सीधी उंगली उठाई और कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है। दरअसल दोस्तों आज से 5 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में नए मेंबर अपॉइंट करने पर रोक लगा दी और इसके लिए अप्रूवल नहीं दी थी। बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का इस्तेमाल दो या ज्यादा देशों के बीच मौजूद डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने में किया जाता है, यानी अगर कई देशों के बीच किसी व्यापारिक मुद्दे को लेकर तनाव बन रहा है तो उसे सुलझाने के लिए इस बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण में WTO दोनों पार्टी को अपने हिसाब से कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे चरण में एक पैनल बनाया जाता है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर सॉल्यूशन दिए जाते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो आखिरी चरण में एक अपील बॉडी होती है, जहां पर दोनों पार्टी एक तरह से कोर्ट में जाकर अपनी अपील रखते हैं और वहां से फैसला दिया जाता है। बता दें कि WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को चलाने के लिए 7 मेंबर होते हैं, लेकिन कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। पर 5 साल पहले जब अमेरिका ने अलग अलग तरह के आरोप लगाकर इसमें नए मेंबर की अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दिया, तब से ये बॉडी निष्क्रिय हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका को ऐसा करने की ताकत कैसे मिल गई कि सिर्फ एक देश इतने महत्वपूर्ण बॉडी को रोक सकता है।
तो यही वह कमी है जिसकी वजह से भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार की डिमांड पिछले काफी सालों से कर रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। भारत इस डेवलपमेंट से तंग आ चुका है, इसीलिए हमने खुलकर कहा है कि अमेरिका की वजह से ही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का ये हाल हुआ है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे रिस्टोर किया जाए। भारत ने ये बात खुलकर कही है कि लीस्ट डेवलपमेंट नेशन को इस तरह की परेशानियों से काफी नुकसान होता है क्योंकि वह अपने विवाद सुलझा नहीं सकते, इसीलिए हमें जल्द से जल्द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को रिस्टोर करना चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि इस बार भारत अमेरिका को सीधे टारगेट करने से पीछे नहीं रहा, जो दर्शाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर काफी गंभीर है। इन दोनों ही विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।